कोविड की द्वितीय लहर में प्रदेशवासियों की जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। आज राज्य सरकार कोविड प्रबंधन के लिए हर सक्षम प्रयास कर रही है, जिसके बारे में बताते हैं जिम्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता। ऑक्सीजन हो या बेड की अवेलेबिलिटी हो, धीरे धीरे जो कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अपनी दिनचर्या, अपना खाना पीना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक पेट के बल लेटने से आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको आप 3-4% बढ़ा सकते हैं। प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में अब तक 4,28,00,000 से अधिक निःशुल्क कोविड जांच कराई गई है। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की निःशुल्क वैक्सीनेशन तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, आप लोग भी जरूर कराएं। सभी शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है और 97,000 राजस्व ग्रामों में विशेष टेस्टिंग कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या दवाइयाँ जो भी हमने जो भी डिमांड किया, पूरा का पूरा हमें मिला। सभी नियमों का पालन करके कोविड को हराया जा सकता है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी तो जीतेंगे कोरोना से लड़ाई।